आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप सेवर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 25 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1.5% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के 1 सप्ताह के अंदर स्टॉक में 3.5% की गिरावट देखने को मिली है, 1 महीने में 0.5%, परंतु 3 महीने में स्टॉक में 12% की तेजी देखने को मिली है, 6 महीने में 48%, 1 साल के अंदर 28% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, परंतु पीछे के 1 महीने से इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बनता हुआ नजर आया अराउंड 97 रुपीज। 97 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में एक हाई लगा, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का एक लो लगा 95 रुपीज। 95 रुपीज के इस स्टॉक में इस पॉइंट पर स्टॉक का एक लो लग चुका है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 95 रुपीज की स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 110 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट 96 रुपीज के बाद देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक 96 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी रैली देखने को मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।